जावद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी समंदर पटेल का चुनाव के आखिरी दौर में धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। इस दौरान वे जाट क्षेत्र के कीर्ता गांव में पहुंचे, जहां गांव वासियों ने पूरे उत्साह के साथ उनका पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। साथ ही गांव में जनसंपर्क के दौरान उपस्थित लोगों ने अपनी समस्याएं भी रखी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली को लेकर ट्रांसफार्मर की समस्या, सड़कों की परेशानी और नेटवर्क को लेकर लोगों ने अपनी बात रखी। देखिए वॉइस ऑफ एमपी के कैमरे के सामने गाँव की कहानी ग्रामीणों की जुबानी। गांव में समंदर जी पटेल आए हैं, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं? अच्छा माहौल है। एक मिनट आपसे बात भी आ रहा हूँ। जनता परिवर्तन सारी मतलब पहले विकास नहीं हुआ, ये बातें और थे। हाँ अच्छा माहौल है। और नहीं तो क्या मुद्दे हैं गांव में? अब ये है मतलब विकास कुछ नहीं हुआ 20 सालों से, मतलब समंदर जी ने कुछ नहीं कराया, मतलब हमारे गाँव में तो 20 रुपये भी नहीं लगवाए। अच्छा क्या क्या काम आप लोग चाह रहे हैं? जैसे मतलब ये गरीब आदमी के, या हमारे गांव में समस्या ये है कि अतिक्रमण बहुत, तो मतलब पट्टे की बहुत, किसी के मतलब जमीनी नाम भी नहीं है, तो उसको मतलब कोई सरकारी योजना का फायदा भी नहीं मिल रहा। तो एक नहर है, जैसे तालाब है तो नहर नहीं है। घनश्याम जी के टाइम में तालाब बना था, तो उसमें वो नहर भी कहीं कुछ नहीं हुई है। मतलब ये मतलब सब आदमी को मतलब प्रधानमंत्री सम्मान निधि की योजना हो तो वो पट्टा नहीं है, अतिक्रमण है तो वो पट्टे की जरूरी है, ये है। और तो क्या जी सर, अपने जो गांव में है किसी किसान लोगों के कोई मकान भी नहीं आया इस समय में। ये 20 सालों से कुछ गरीब लोग मारे जा रहे हैं, तो उनका कोई समस्या का समाधान कुछ नहीं हो नहीं पा रहा है। तो अपन एक पार्टी में ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उस समस्या को अपन लेके उठा रहे हैं, अपन हाथ के पंजे पे जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं गांव में किस तरह का माहौल है, रुझान है, क्या कहना है? रुझान है, परिवर्तन है। तो वोट कांग्रेस को देंगे तभी तो परिवर्तन। किस मुद्दों पे देंगे? मुद्दे तो काम हुए नहीं, तो मुद्दा तो कोई मुद्दा जहाँ कांग्रेस ने छोड़ा काम, वहीं से कुछ नियत की ही नहीं उन्होंने। किसानों के क्या मुद्दे? किसानों के मुद्दे वही है कि लाइट आ रही है तो नेट ट्रांसफर के लिए वोल्टेज दब रहा है, तो उसके हिसाब से जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा ना, 18 साल हो गए। आप बताइए गांव में किस तरह के मुद्दे हैं, क्या माहौल है और पहला मुद्दा तो क्या चाहती है? पहले गांव की समस्या तो ये है कि हमारे यहाँ नेटवर्क की समस्या है, और हमने माने जो मंत्री जी थे उनको भी बार बार बोला था कि उनको भी 20 साल हो गए, तो लेकिन वो भी सुविधा नहीं कर पाए। पहले तो नेटवर्क ही है, और बाद में क्या हमारा कामागीता का ताला बना हुआ, उसकी नहर के लिए भी मंत्री जी को बोला, वो भी नहीं बोला। वो भी घनश्याम जी पटदार जी थे मंत्री साहब कांग्रेस के, वो नींद लगा गए लेकिन वो भी काम नहीं हुआ। तो गांव की जनता क्या चाहती है? गांव की जनता परिवर्तन चाहती है बस। हाँ क्योंकि आपकी बात है, समंदर जी पटेल साहब को जिताएंगे। हाँ यह है भावना सबकी। आप क्या कह रहे हो? आप मोहियों को सारे सारे घर आ जाओ तो ठीक रहे, टाफरी में गरीब लोगों के गरीब है, घर नहीं आया वो सर नहीं मन दिया है, ये बात चाहिए, बात आपने पुकार कर ली। अब्दुल अली ईरानी के साथ अशफाक बर्मन की ये रिपोर्ट।